भवानी संतोषी मैया की। भक्तों लीजिए, फिर से पावन शुक्रवार आ गया है, मेरी मैया संतोषी का प्रिय शुक्रवार। भक्तों पावन शुक्रवार के दिवस जो नारी माँ संतोषी का व्रत उपवास रखती है, सारा दिन माँ के नाम का ध्यान धरती है और सायंकाल संतोषी व्रत कथा श्रवण कर आरती चालीसा का पठन कर माँ को गुड़ चने का भोग अर्पित करती है और स्वयं भी केवल एक समय भोजन ग्रहण करती है, वह नारी जीवन में समस्त सुख भोगती है तथा सदा सुहागिन रहते हुए अपने जीवन के अंत में माँ संतोषी के चरणों में स्थान प्राप्त करती है। तो आइए सुनते हैं माँ संतोषी की पावन संगीत में व्रत कथा। एक बार फिर बोलिए, आद भवानी मैया संतोषी की। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। ध्यान लगा लो माँ संतोषी को गालो देवरदान जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। भक्तों उसके 7 पुत्र थे, 6 बड़े पुत्र तो कमाते धमाते थे परंतु 7वां सबसे छोटा कुछ भी नहीं करता था। बुढ़िया को अपने 6 बड़े बेटों से बहुत प्यार था, उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराती और उनकी बची खुची जूठन से 7वें को भोजन कराया करती थी। 7वें पुत्र की पत्नी यह सब देखकर मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, परंतु 7वां पुत्र था कि उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। परंतु पत्नी के बहुत कहने पर एक दिन खाने के समय आंगन में चारपाई पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया और स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करने लगा। उसने देखा कि माँ ने 6 भाइयों को प्रेम से भोजन करवाया और उन सब का बचा खुचा भोजन उसी को परोस दिया। यह देखकर उसका मन क्षुब्ध हो गया। भक्तों माँ से बोला, मैं परदेश जाता हूँ माँ। बुढ़िया ने भी कह दिया, कल का जाता है तो बेटे आज ही चला जा, जाते समय पत्नी से कुछ निशानी मांगता है। पत्नी को रही थी पीठ पे दोनों हाथ धरे थे, पति भी अंगूठी देके निशानी, भक्तों फिर पर देश चले थे। पत्नी बोली, जाओ स्वामी हम काटेंगे जिंदगानी बिना आप जी, ईश्वर करेंगे कल्याण जी। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। पति परदेश पहुंचा और एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसने काम धंधे को 2 गुना 4 गुना बढ़ा दिया और फिर पूरी जी जान से
मेहनत करी जिससे सेठ का विश्वास भी जीत लिया। काम धंधे में इतना खो गया कि अपने परिवार के विषय में सब कुछ भूल गया। उधर उसकी माँ और चहों भाभियाँ उसकी पत्नी पर भारी अत्याचार करते थे। उसे भूसे की रोटी देते, नारियल के खोपरे में पानी देते। ऐसे ही दुखी मन से एक दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है तो क्या देखती है कि कुछ स्त्रियां वहां पूजन आरती कर रही हैं। पूजन के पश्चात जिज्ञासावश वो उनसे पूछने लगती है कि ये कौन से देवी देवता का पूजन है। तब वो स्त्रियां उसे बताती हैं कि ये पावन संतोषी माता के व्रत का पूजन है। इस व्रत का पालन 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। शुक्रवार को स्नान ध्यान के पश्चात माँ संतोषी का पूजन कर उपवास रखना चाहिए। सायंकाल कथा के पश्चात गुड़ चने का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ अवश्य मुरादें पूर्ण करती है। यह सोच उसने अपने मन में भी अगले शुक्रवार को माँ का उपवास रखने और मन की मुराद मांगने की सोची। माँ के नाम की मन्नत मानी, माँ संतोषी तुम दया की दानी। मेरे पति से मुझको मिला दो अपनी कृपा, माँ बरसा दो। माँ ने चमत्कार दिखलाया, पति को परिवार याद आया। लेता नाम रे, वापस मैं जाऊं उनके पास रे। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी। संतोषी मैया को प्रणाम जी। पति सोचने लगा, वापस जाऊं तो जाऊं कैसे, सारा हिसाब किताब तो अभी बाकी पड़ा है। परंतु माँ संतोषी की कृपा से उसका सारा हिसाब किताब एक ही दिवस में पूर्ण हो गया। उसके पास बहुत सा धन भी आ गया, जिस धन को उसने स्वर्ण मुद्राओं में बदल लिया और थैली बनाकर अपने घर की ओर लौट चला। उधर उसकी पत्नी ने जब मार्ग में धूल उड़ती देखी तो माँ संतोषी से पूछने लगी। माँ ने कहा, बेटी तेरा पति वापस आ रहा है, जा सूखी लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, एक मेरे मंदिर में और तीजा अपने सिर पर रख। अपने घर पे जाना, जोर से भूमि पर पटकना और तेज आवाज में कहना, लो लकड़ी ले आई हूँ, मुझे भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, घर में कौन मेहमान आया है। और उधर उसका पति मार्ग में लकड़ियां देखकर रुक जाता है, वहां भोजन इत्यादि कर अपने घर लौटता है। अपनी माँ भाइयों भाभियों एवं भतीजे भतीजियों से मिलता है, परंतु अपनी पत्नी के विषय में उसे कुछ याद नहीं रहता। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आती है, तेज आवाज में चिल्लाती है, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, घर में कौन मेहमान आया है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है तो उसके हाथ में अंगूठी देखकर उसे पहचान जाता है। अपनी पत्नी की यह हालत देख वो दुखी होता है और माँ से अलग घर में रहने के लिए चाबी मांगता है। अलग घर में जा उसकी पत्नी माँ संतोषी का उद्यापन करवाती है, परंतु उसकी जेठानियां छल से बालकों को खट्टा खिलाकर उद्यापन भंग करवा देती हैं। खट्टा खा व्रत भंग कर डाला, माँ ने अपना
दिखाया। पति को सैनिक पकड़ के ले गए और जेल में बंद कराया। मैया से फिर माफी मांगी, हे संतोषी मैं अज्ञानी दो क्षमादान जी, माफ करो तुम अपराध जी। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। संतोषी माता से क्षमा मांगने के पश्चात माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मैं आपका उद्यापन फिर से करवाऊंगी। माँ संतोषी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, अब कोई भूल न करना, ध्यान रहे मेरे उद्यापन के दिन कोई भी खट्टा पदार्थ ना खाने पाए। माँ की कृपा से पति भी जेल से वापस आ गया। अगले शुक्रवार को उसने फिर से माँ का उद्यापन किया। इस बार भी जेठानी के लड़कों ने खट्टा मांगा तो उसने उन्हें घर से बाहर भगा दिया और ब्राह्मण कुमारों को भोज करवाकर दान दक्षिणा दी। माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई और ठीक 9 माह पश्चात उसे एक चांद समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने भक्तों, जिस तरह उस स्त्री ने पूरे विधि विधान से माँ संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत किए और इच्छा पूर्ण होने पर उद्यापन करवाया और जीवन में माँ संतोषी की कृपा पाई, ठीक उसी तरह यदि आप भी माँ संतोषी के व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे तो आप और आपके परिवार पर माँ की विशेष कृपा सदा बनी रहेगी। बोलिए संतोषी मैया की। माँ संतोषी नाम है साचा, भक्तों मन से जपते जाना। से तर जाओगे संतोषी कृपा पाओगे, हो गुणगान जी, मैया करेंगी कल्याण जी। पावन संतोषी व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, संतोषी मैया को प्रणाम जी। शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। शुक्रवार है माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है,
भक्तों की रक्षा करने को माँ धरती पे आई है, माँ धरती पे आई है। भक्तों की रक्षा करने को माँ धरती पे आई है, माँ धरती पे आई है। जिसने भी इस माँ को पुकारा दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है। जिसने भी इस माँ को पुकारा दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है। ऐसा इसका प्यार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, बड़ी दयालु अति कृपालु संतोषी वरदानी माँ, संतोषी वरदानी माँ। बड़ी दयालु अति कृपालु संतोषी वरदानी माँ, संतोषी वरदानी माँ। पल में भाग्य पलट के रख दे जग जननी कल्याणी माँ, जग जननी कल्याणी माँ। पल में भाग्य पलट के रख दे जग जननी कल्याणी माँ, जननी कल्याणी माँ। ऐसे ये दातार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, जो भी आए शरण में इसकी सबको गले लगाती है, सबको गले लगाती है। जो भी आए शरण में इसकी सबको गले लगाती है, सबको गले लगाती है। बिन मांगे ही माँ संतोषी धन वैभव बरसाती है, धन वैभव बरसाती है। बिन मांगे ही माँ संतोषी धन वैभव बरसाती है, संती करुण पुकार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है, माँ संतोषी वार है, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में रक्षा की दीवार है। आज शुक्रवार है।